नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ये जो मेरा पीछे सीरीज़ चल रही है, पार्ट नंबर 5 है इसका, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट ज्योतिष के क्या क्या अनोखे सूत्र होते हैं और कैसे उनसे आइडिया लगा जा सकते हैं हम लोग जो प्रेडिक्शन से बहुत काम आते हैं। तो इसके अंदर भी मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र बताऊँगा ज्योतिष के जो प्रेडिक्शन में बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उनको ढंग से इस्तेमाल करें, ध्यान रखें, तो आप बहुत अच्छी तरीके से कुंडली का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली एक चीज़ होती है काल पुरुष की कुंडली। ये हम लोग सुनते हैं लेकिन अपनी प्रेडिक्शन में इस चीज़ को ध्यान नहीं रख पाते। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली के बारे में अगर आपको मालूम हो तो सभी में ख्याल जानते ही हैं इस चीज़ को कि मेष लग्न की कुंडली जो होती है वो काल पुरुष की कुंडली कहलाती है। काल पुरुष को विष्णु भगवान माना जाता है और उसी के वो चारों तरफ वो भाव होते हैं। तो ये जैसे ये मेष लग्न की कुंडली है, इसको हम काल पुरुष की कुंडली भी मान सकते हैं, जिसमें ये पहला भाव मेष का, दूसरा वृष, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क और इस तरह से 12 राशियाँ चलती हैं इसके अंदर। इसी के साथ साथ इनका ये भी सिस्टम होता है, जैसे पहला भाव सर को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा भाव दाइयाँ को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा भाव आपके गर्दन को रिप्रेजेंट करता है, चौथा भाव आपके छाती को रिप्रेजेंट करता है, पांचवा भाव आपके पेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ये सारे भाव आपके रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट शरीर के अंगों को। तो उनमें यही होता है कि कोई भी भाव पीड़ित हो तो हम कह सकते हैं कि उस जगह पीड़ा होगी। लेकिन उससे पहले, बताने से पहले, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रेडिक्शन में कुंडली में कैसे इसका इस्तेमाल करें काल पुरुष की कुंडली का। देखिए, प्रेडिक्शन में हम क्या करते हैं, नॉर्मली अगर हम किसी से कहते हैं कि रोग के बारे में अगर हम बात करते हैं, सपोज करो हम बात करते हैं डिसीज़ के बारे में किसी कुंडली में कि इसे क्या डिसीज़ हो सकती हैं या क्या डिसीज़ होंगी इसको या इसको रोग होगा या नहीं होगा, तो वो देखना चाहते हैं तो क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे भाव, छठा भाव। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है तो हम छठा भाव देखेंगे। और क्या देखेंगे, हम छठे भाव का स्वामी देखेंगे कि सिक्स का लॉर्ड कहाँ पर है, अगर वो ठीक प्लेस है नहीं है, कहाँ गया हुआ है, केंद्र त्रिकोण में गया है या 6, 8, 12 के अंदर ही बैठा है या किसी और भावों में है, तो वो हम चेक करेंगे। तीसरा हम कारक चेक करेंगे। इससे अगर आपको यहाँ समझने में दिक्कत है तो मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी भाव की स्टडी करने के लिए हम तीन चीज़ देखते हैं, भाव, भावेश और भाव का कारक। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी भाव की स्टडी करने के लिए। अगर आप किसी भी भाव को स्टडी करना चाहते हैं तो पहले भाव देखिए, भावेश देखिए, कारक देखिए। उसमें क्या देखना है, भाव के अंदर आपको ये चेक करना है कि भाव में कोई अशुभ ग्रह तो नहीं बैठे हैं, पाप ग्रह तो नहीं बैठे हैं, पाप ग्रह मीन्स मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, इस तरह ग्रह तो नहीं बैठे हुए हैं, या उन पे पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है उन भावों में, या वो दोनों भाव के दोनों ओर में कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठे हुए हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रह मीन्स गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध, उनकी दृष्टि हो, उसके दोनों ओर भी इस तरह के ग्रह ही बैठे हों, तो भाव को मजबूत मानना चाहिए। उसी प्रकार भावेश को भी हम चेक करते हैं कि भावेश जो है उस भाव का, यानी उस भाव का स्वामी जो है, लॉर्ड है, वो कहाँ गया है, केंद्र त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है तो उसको हम अच्छा मानते हैं, अगर वो 6, 8, 12 में चला गया तो हम मानते हैं कि उसके कारकत्व में हानि हो गई, वो नुकसान करेगा, तो वो भी हमें देखना होता है। उच्च की राशि में बैठा है तो हम मानते हैं कि बहुत मजबूत हो गया, नीच की राशि में बैठा है तो हम कहते हैं कि वो बड़ा निम्न हो गया, उसके फल अच्छे नहीं मिलेंगे, तो हम भावेश देखते हैं। फिर तीसरा देखते हैं हम कारक। कारक आपको मालूम ही होंगे, हर भाव के फिक्स कारक होते हैं, कारक होते हैं फिक्स्ड हर भाव के। जैसे पहले भाव का कारक सूर्य होता है, दूसरे भाव का कारक मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको ध्यान रहेगा, ये सूर्य होता है, दूसरे भाव का कारक गुरु होता है, तीसरे भाव का कारक मंगल होता है, चौथे भाव का कारक चंद्र होता है, पांचवें भाव का कारक फिर दोबारा से गुरु आ गया, छठे भाव का कारक फिर दोबारा मंगल आ गया, सातवें भाव का कारक शुक्र होता है, आठवें भाव का कारक शनि होता है, नवें भाव का कारक गुरु, दसवें का बुध, ग्यारहवें का फिर गुरु और बारहवें का शनि। इस तरीके से ये फिक्स्ड कारक हैं
हर भाव के। जब भी आपको भाव स्टडी करना हो तो हमेशा भाव देखिए, भावेश देखिए और कारक देखिए। यानी अगर आप फर्स्ट भाव की स्टडी करना चाहते हैं तो पहले पहला भाव देखिए कि पहले भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, किस से ग्रह बैठे हैं, उसका भाव का स्वामी कहाँ गया है वो चेक कीजिए, और भाव का कारक यानी सूर्य को चेक कीजिए। जब वो तीनों अगर सही अवस्था में आपको मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि पहले भाव के रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे और स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, उसका नाम होगा, सम्मान होगा, यश बढ़ेगा ऐसे इंसान का, ऐसे नेटिव का। और अगर वो पीड़ित हैं तो हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य में कमी रहेगी, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम रहेगी, कुछ बीमार रहेगा। तो इस तरीके से चीज़ें हम लोग बता सकते हैं। तो उसी में मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, थोड़ा आगे डाइवर्ट हो गया, कि अगर हम किसी के रोग के बारे में बात करते हैं कि भाई इसको रोग होगा या नहीं होगा तो क्या देखेंगे हम? देखेंगे छठा भाव सबसे पहले, कि छठे भाव के अंदर अशुभ ग्रह बैठे हैं या शुभ ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रहों की दृष्टि है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, दोनों ओर कौन से ग्रह बैठे हैं वो चेक करेंगे। फिर छठे भाव का स्वामी को चेक करेंगे, सिक्स लॉर्ड, कि वो कहाँ गया है, वो उच्च की राशि में है, केंद्र त्रिकोण में है या मित्र राशि में है तो अच्छी बात है, शत्रु राशि के अंदर गया है, 6, 8, 12 में गया है तो उसको कहेंगे ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है। फिर देखेंगे कारक, कारक कौन हुआ, कारक हुआ मंगल, फिर मंगल चेक करेंगे। हम मंगल को देखते हैं कि मंगल कैसा है, तो मंगल के लिए भी वही चीज़ देखेंगे जो भावेश के लिए देखी है, कि वो उच्च का है, नीच का है, शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, सम राशि में है, केंद्र त्रिकोण में है या 6, 8, 12 में गया है, वो सब चीज़ देखेंगे। जब वो तीनों चीज़ पीड़ित होंगी तो हम कहेंगे हाँ इस भाव की हानि है, जब वो तीनों चीज़ बढ़िया होंगी तो हम कहेंगे भाव की वृद्धि है। तो अब इससे तो हमने ये आइडिया लगा लिया कि ये चीज़ हमको देखनी है, लेकिन एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट और होती है जो कालपुरुष की कुंडली हम लोग को ध्यान नहीं रखते हैं। तो जब भी हम रोग की बात करेंगे तो छठा हाउस देखेंगे, छठे भाव का स्वामी देखेंगे, छठे भाव का कारक देखेंगे जो फिक्स कारक है, और साथ में बुध को देखेंगे। अब आप ये कहेंगे कि बुध कहाँ से आ गया यहाँ पे? बुध इसलिए आ गया कि बुध जो होता है छठे भाव का स्वामी बनता है कालपुरुष की कुंडली के अंदर। तो अगर आप रोग देख रहे हैं तो भाव, भावेश और कारक देखने के बाद आपको बुध भी देखना पड़ेगा। तो बुध भी आप देखिए, अगर बुध भी उसका गड़बड़ मिलता है तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि इसको ये रोगी है, इसकी यहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान लिया थर्ड भाव है, ये तीसरा भाव जो है ये आदमी की भुजाओं को, कंधों को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर तीसरा भाव 3H तीसरा भाव पीड़ित है, तीसरा लॉर्ड वो भी पीड़ित है, तीसरे भाव कारक मंगल भी पीड़ित है, और तीसरे भाव का कालपुरुष कुंडली में स्वामी कौन होता है, बुध, बुध भी पीड़ित है। तो ये बिल्कुल 100% लिख के रख लीजिए कि ऐसे आदमी को भावों में, भुजाओं में प्रॉब्लम होगी, हर हालत में कोई ना कोई दर्द या कोई फ्रोजन शोल्डर या ऐसी कोई चीज़ उसको होगी, बिकॉज तीसरा भाव भी पीड़ित है, तीसरा लॉर्ड भी पीड़ित है, मंगल पीड़ित है जो भाव का कारक है, और साथ में जो कालपुरुष कुंडली है उसका कारक भी बुध भी, वो भी पीड़ित है। तो इसलिए कालपुरुषी कुंडली का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम कृषि भाव की स्टडी करते हैं तो हम ये भी देखना चाहिए कि भाव, भावेश और कारक, और साथ में कालपुरुषी कुंडली वो कौन से भाव को शो करती है, वो उसका स्वामी भी हमें देखना चाहिए। छठे भाव की स्टडी कर रहे हैं तो छठे भाव का स्वामी, प्रोफेशन की स्टडी कर रहे हैं हम लोग तो प्रोफेशन की स्टडी करेंगे तो हम दसवें भाव देखेंगे, दसवें भाव का स्वामी देखेंगे, दसवें भाव का कारक देखेंगे, बुध को देखेंगे, लेकिन साथ साथ हम शनि भी देखेंगे क्योंकि शनि कालपुरुषी कुंडली में दसवें और ग्यारहवें भाव का मालिक स्वामी आता है। तो ये टेंथ के लिए देखेंगे। तो यहाँ तो आपको समझ आ गया, तो टेंथ के लिए हमने क्या देखा कि टेंथ हाउस देखा, टेंथ लॉर्ड देखा, कारक देखा, कारक बुध देख लिया हम लोगों ने, और सातवें फिर हमने शनि देखा क्योंकि शनि कालपुरुषी कुंडली में इस भाव का मालिक है टेंथ हाउस का। तो ये चार चीज़ देखने के बाद वी विल डिसाइड कि इस भाव के रिजल्ट हमारे खराब होंगे या इस भाव के रिजल्ट हमारे अच्छे होंगे, कितने परसेंट खराब मिलेंगे, कितने परसेंट अच्छे मिलेंगे। तो ये कालपुरुषी कुंडली का इसके अंदर बहुत इस्तेमाल होता है। जब भी आप प्रेडिक्शन करें तो भाव की स्टडी करें किसी की, तो वो भी देखें कि वो भाव वो कालपुरुषी कुंडली में किसका आता है, कौन से ग्रह का आता है। तो वो तो आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए कि गुरु का कौन सा भाव है, नवा और बारहवां भाव गुरु का है, अब कौन सा भाव सूर्य का है, सूर्य का पांचवा भाव है। अब जैसे सपोज़ कीजिए कि हम बात करते हैं कि संतान की, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसके अंदर, उससे थोड़ा आपको और क्लियर होगा। आप बात कर रहे हैं संतान के लिए, कोई पूछता है कि भाई संतान होगी या नहीं होगी,
या होगी तो कब होगी, संतान के बारे में बात करता है। तो जब नॉर्मली संतान की बात होगी तो हम क्या देखेंगे, हम पांचवा भाव देखेंगे, फिफ्थ हाउस देखेंगे, पांचवें भाव का स्वामी देखेंगे और पांचवें भाव का कारक गुरु देखेंगे। ये तीन हम चीज़ें देखेंगे तो हम बताएंगे कि संतान, अगर ये सब तीनों चीज़ें ठीक हैं तो हम कहेंगे संतान हो सकती है। इसके अलावा या हम यूं कहें कि जब संतान पूछे कोई कब होगी तो हम कहेंगे जब पांचवें भाव के स्वामी की अंतर्दशा हो तब, जब पांचवें भाव में बैठे ग्रह की अंतर्दशा हो तब, जब गुरु की अंतर्दशा हो तब, तब होगी। लेकिन बाई चांस कई बार आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं साहब, इनमें किसी की अंतर्दशा नहीं है, ना तो पांचवें में बैठे ग्रह की अंतर्दशा है, ना तो पांचवें भाव के स्वामी की अंतर्दशा है, ना पांचवें भाव को देखने वाले ग्रहों की अंतर्दशा है, तो फिर भी संतान पैदा हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई। तो उसके लिए फिर क्या होता है, ऐसे केस में हमें सूर्य देखना पड़ता है। इसका मतलब सूर्य की दशा में भी संतान पैदा हो सकती है, क्योंकि सूर्य कालपुरुषी कुंडली में पांचवें घर का मालिक है। तो ये चीज़ इसमें आपको बहुत ध्यान से रखनी है कि कालपुरुषी कुंडली में कौन सा ग्रह किस घर का मालिक है। तो जब संतान की बात करेंगे तो संतान केवल पांचवें की अंतर्दशा में ही नहीं, पांचवें स्वामी अंतर्दशा में नहीं, गुरु के अंतर्दशा में ही नहीं, बल्कि सूर्य की अंतर्दशा में भी संतान हो सकती है। ये सब भी चीज़ ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि ये तीनों भाव अच्छे होते हैं लेकिन संतान में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। तब लोग कहते हैं कि सब हमने तो पांचवा भाव भी देख लिया, पांचवें का लॉर्ड भी देख लिया, हमने गुरु को देख लिया, सब कुछ बढ़िया है, फिर भी संतान नहीं हो रही है टाइम से, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए सूर्य को भी देखना चाहिए कि कहीं सूर्य आपकी कुंडली में पीड़ित तो नहीं है। अगर सूर्य पीड़ित होगा तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सारी चीज़ें अच्छी होते हुए भी अगर सूर्य का सपोर्ट ना मिले, क्योंकि सूर्य पांचवीं नंबर का कालपुरुषी कुंडली में पांचवें भाव का स्वामी है, तो उसका सपोर्ट भी आपको, उसकी ब्लेसिंग्स भी आपको चाहिए हर हालत में। सब चीज़ अच्छी हो और उसकी ब्लेसिंग भी हो, सपोर्ट भी हो, नॉर्मल हो सूर्य, तो संतान में कोई समस्या नहीं आती है। तो ये आपका मैंने कालपुरुषी कुंडली के बारे में थोड़ा बताया। अब इसी के बारे में जैसे सपोज़ कीजिए कि आप बात करना चाहते हैं कि हम बात करते हैं खेल कूद की बात करते हैं, तो खेल कूद के लिए कि भाई खेल कूद में बच्चा कैसा होगा, तो हम क्या देखते हैं, हम थर्ड हाउस देखेंगे। थर्ड हाउस खेल कूद का होता है क्योंकि पराक्रम का हाउस होता है, बल का हाउस होता है। हम थर्ड का लॉर्ड देखेंगे, स्वामी देखेंगे। हम थर्ड का कारक मंगल देखेंगे, मंगल का अच्छा होना ज़रूरी है। और क्या देखेंगे, साथ में बुध भी देखेंगे, क्योंकि कालपुरुषी कुंडली में बुध थर्ड भाव का स्वामी है। तो इसलिए हमें यह भी देखना पड़ेगा, अगर कोई खेल कूद में एक्सपर्ट हम देखना चाहते हैं किसी को, कि ये बच्चा ये जातक खेल कूद में कैसा रहेगा, तो ये तीनों चीज़ देखने के बाद बुध भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। अगर बुध भी अच्छा है, बुध का भी सपोर्ट है, तो जाहिर है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होती। दूसरी चीज़ इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने कल आपको बताई थी कालपुरुषी कुंडली के अलावा, आपको ये बात ध्यान में रखना है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी किसी भाव का प्रश्न हो तो आप, कोई प्रश्न आपसे पूछे तो आप ये ध्यान रखिए कि वो किस भाव से रिलेटेड है और कौन से ग्रह उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे सपोज़ कीजिए आप धन की बात करते हैं, तो धन के लिए कौन सा भाव देखें, सेकेंड हाउस देखें, और कौन सा ग्रह देखें, गुरु देखें, यानी गुरु रिस्पॉन्सिबल है धन के लिए। तो धन की बात जब भी चलेगी तो उसको देखेंगे। आपसे कोई कहता है जी हमारे घर में नौकर नहीं टिकता, हमारे घर में काम वाली बाई हैं वो टिकती नहीं है, आती हैं जाती रहती हैं, आती हैं जाती रहती हैं, तो सर्टेनली आप चेक कीजिए कि आपका 3H कैसा है, थर्ड भाव कैसा है, थर्ड भाव पीड़ित तो नहीं, और साथ में शनि कैसा है आपका, ये आप चेक करिए, आपको 100% जो भी प्रॉब्लम है वो मिल जाएगी। क्योंकि शनि जो होता है उसको सेवक बोलते हैं, जितने भी फोर्थ क्लास लेवल होती है उनका कारक होता है शनि। तो शनि को देखिए कि शनि तो पीड़ित नहीं, और तीसरे भाव को देखिए कि तीसरा भाव तो पीड़ित नहीं, क्योंकि तीसरा भाव आपके सबॉर्डिनेट्स का, आपके छोटे भाई बहनों का, आपसे ओहदे में छोटे लोग भी, जो भी लोग हैं उन सब का भाव होता है। तो जब उनको आप देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि ये सब चीज़ें हमारी कैसे आती हैं। उसके बाद कोई बात करता है मृत्यु के बारे में बात करता है, तब उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। मृत्यु के बारे में बात करनी है तो आप आठवां घर देखेंगे और शनि देखेंगे, दो ग्रह देखेंगे।
कोई किसी के कोई बीमार है किसी की मृत्यु के बारे में कोई पूछता है तो ठीक है उस आदमी की कुंडली का आठवां भाव आपने देखा, शनि आपने देखा। अगर दोनों भावों में प्रॉब्लम है, आठवें भाव में बैठे ग्रहों की दशा चल रही है और शनि भी पीड़ित है, तो जाहिर सी बात है कि उसका बचना फिर मुश्किल होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इससे नेक्स्ट पार्ट पे मैं आपको नए अलग अलग सूत्र बताऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री कृष्णा।